जो एक चीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, पर मुझे लगता है उसको हमने बहुत गहराई से उसके ऊपर सोचा नहीं था, और इन दिनों में मैं इसके ऊपर सोचता रहा तो मुझे लगा कि ये इतनी गहरी बात है, और जो हम कुछ भी कर रहे हैं अध्यात्म के नाम के ऊपर, इसके साथ सीधे सीधा उसका संबंध है। तो इसके ऊपर थोड़ी पहले चर्चा करते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जो एक बात थी, इसको मैं यहाँ फिर से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 302 के ऊपर है, और वही बात मुझे बहुत, इसकी इतनी गहरी है कि मुझे थोड़ा उसका समझ में नहीं आया कि ये क्या, इतना ये बात ऐसी है कि हम साधना करते तो क्या करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि थिंकिंग ऑफ एनी सॉर्ट, हाउएवर नोबल और स्कॉलरली, इज मियरली एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, एंड ऑल सच एक्सप्रेशंस आर बट द आउटपुट ऑफ द डेटा फेड इन एट समटाइम्स और एट अदर। ए गुड मैन, अ नोबल मैन, ए प्रिमिटिव मैन, अ बैड मैन आर ऑल इक्वली मैकेनिकल एंड इक्वली इंटरचेंजेबल इफ द डेटा दैट इज फेड इन देयर कंप्यूटर्स इज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब समझिए इसकी गहराई, ये बात की कितनी गहराई से कर रहा है। मानो कि हम जो आध्यात्म के नाम पर जो कुछ करते हैं, हम खास करके जो पढ़ाई करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? और साधना का लक्ष्य क्या है? कोई भी साधना है, आप किसी भी प्रकार से करिए, तो साधना का लक्ष्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं? पहली बात, हम जो कुछ कर रहे हैं तो हम एक अंदर एक नए डेटा को फिट कर रहे हैं कि नहीं? ये जो हमारा कंप्यूटर है, बॉडी ब्रेन सिस्टम है, चाहे कुछ भी करिए हम, जैसे कि एक व्यक्ति को भाई, उसको हम अच्छा बनाने के लिए कहते हैं कि भाई तुम ये पढ़ो, ये करो, वो करो, पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, तो ये क्या फीडिंग नहीं है? ये क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर नया हम डेटा नहीं डाल रहे हैं? और किसी भी प्रकार का डेटा जिसको हम अच्छा कहते हैं, आफ्टर ऑल तो वो डेटा ही है, तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा? तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत गहरी बात ये है कि हम जो कर रहे हैं इसका हमें फायदा क्या है, और साधना का लक्ष्य क्या है? पहली बात ये है कि साधना हम कर रहे हैं तो साधना के हम उसकी नीपज, उसका परिणाम क्या चाहते हैं? यहाँ आगे तावरिया जी ने बताया उसको, और उसकी उनकी भाषा में, आज की मॉडर्न भाषा में समझे तो मेमोरी पैटर्न का नाश करना है। क्योंकि हम जो नया जो डेटा डालते हैं, वो भी तो क्या होता है कि उससे नई मेमोरी बनती है, नई मेमोरी पैटर्न बनती है। तो जो साधना का तो लक्ष्य ये है कि हमें मेमोरी पैटर्न से मुक्त होता जाना है, और हम तो यहाँ नई नई पैटर्न बनाते जाते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। और देखो, ये बड़े लोगों को कितनी समझ में आता होगा, और एक ही छोटे सी एक सेंटेंस के अंदर, एक दो चार शब्द के अंदर ये लोग ये बात डाल देते हैं, पर हम समझ नहीं सकते, कभी जिंदगी भर नहीं समझ सकते। और बार बार उस शब्द का तो प्रयोग करते हैं, पर फिर भी हम इतनी उसको समझते नहीं। जैसे 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि एम्प्टी द बोट, उसका मतलब क्या? हम हर व्यक्ति अपने ढंग से इसका अलग अलग मतलब निकलता है, पर अगर साधना की ढंग मतलब से जो है, तो ये तो यही बात है कि एम्प्टी द बोट मतलब कि जो हमारी मेमोरी पैटर्न है उसको निकाल फेंक देना है, उससे हमें मुक्त होना है। इसी बात को जय कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन, एक ही बात है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन या एम्प्टी द बोट। पर हम करते हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम योग के नाम पर, हम अध्यात्म के नाम पर ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये किया, वो किया, भजन गाया, जो भी करते हैं वो सब मेमोरी पैटर्न बन जाता है। चलो थोड़ा इतना एक कंसिडर करते हैं कि कुछ मेमोरी पैटर्न अच्छी हो सकती है। यहाँ तो उन्होंने ये तो बता ही दिया कि चाहे वो गुड मैन हो, नोबल मैन हो, सबके अंदर वो ही है, और ये इंटरचेंजेबल है। मतलब क्या है कि जो आज अच्छा व्यक्ति है वो कल बुरा भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति जो है वो अच्छा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये डेटा जिस तरह फिट करोगे कोई व्यक्ति के अंदर, इस तरह का व्यक्ति बन जाएगा।
पर सवाल ये है कि ये जो चेंज आता है वो क्या वो सही चेंज है क्या? डेटा से हम जो हमारे अंदर कोई रूपांतर जो हम परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण तो है ही नहीं हकीकत में। तो वो जो करना है वो तो रूपांतरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उससे भी आगे एक पॉइंट के ऊपर इससे भी आगे एक स्टेप आगे जाके ट्रांसम्यूटेशन करना है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आगे जाके ट्रांसम्यूटेशन होगा, तो पूरी ये स्पीसीज ही बदल जाएगी। जो व्यक्ति जो है, जो साधक है, जो योगी है, उसकी अपनी स्पीसीज ही बदल हो जाएगी। ये ह्यूमन बीइंग रहेगा पर अंदर से जैसे टोटली बदल जाएगा। तो कोई भी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो तो डेटा फीडिंग का है। ऐसी कोई चीज़ है कि जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करा सकती है? हाँ, जो साधना है और कुछ साधना और सॉरी साधना में गहराई में जाना पड़ता है, तो एक पॉइंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। जब कॉन्शियसनेस का थोड़ा थोड़ा अवतरण चालू होता है तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है, और तब जाके बात बनती है कि अभी धीरे धीरे करके हम जो पुरानी मेमोरी पैटर्न से उससे मुक्त होना हमारा चालू हो गया। इससे पहले तो क्या होता है कि हम ये जो कर रहे हैं वो उसके अंदर नई पैटर्न बनाते जाते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक गलत फहमी ये है कि हमने नई पैटर्न बना ली, या ये नया जिसको सादी भाषा में संस्कार कहते हैं कि भाई नया संस्कार बना लिया, तो नया संस्कार बनाने से पुराना संस्कार जाता नहीं है, नई पैटर्न बनाने से पुरानी पैटर्न जाएगी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है। हमने कुछ पढ़ लिया और एक अच्छा अंदर अंदर अच्छा भी लगता है, कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो अंदर लगता है और एक नई चीज़ अंदर बनती है, पर वो उसका मतलब ये नहीं कि पुरानी जो पैटर्न थी वो निकल गई, वो दब जाती है, वो अंदर हो जाती है। अब देखो दूसरी बात क्या होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो आप दुनिया में कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसको है, सबसे ज्यादा संघर्ष किसको है? आप गौर करोगे तो जानोगे कि साधकों को सबसे ज्यादा संघर्ष है। जो जो साधना के पथ पर है नहीं, जो अपना कामकाज कर रहा है और जी रहा है अपने ढंग से, उसके अंदर ऐसी कोई मेमोरी पैटर्न नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि अंदर पुरानी पैटर्न तो पड़ी है जो थोड़ी जंगली है, थोड़ी जिसको हम बैड कहते हैं, सो कॉल्ड बैड पैटर्न। तो ऐसी जो पैटर्न पड़ी है उसके सामने आप लाके क्या करेंगे, नई पैटर्न रख देंगे जिसको आप अच्छी पैटर्न कहते हैं। अब क्या होगा कि हमेशा ये दो पैटर्नों के बीच में झगड़ा रहेगा। एक जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो अंदर से वो पैटर्न जो है जिसको हम बुरी पैटर्न कहते हैं वो निकल के हमें रोकेगी, जब हम बुरा करने जाते हैं तो अच्छी पैटर्न हमें रोकेगी। तो ये जो है वो अंदर एक संघर्ष चलता रहता है, और साधक के अंदर सबसे ज्यादा संघर्ष रहता है। दूसरे जो लोग हैं उसके अंदर संघर्ष नहीं होता है, उसका संघर्ष दूसरी ओर का होता है। वो उसका पैसा कमाने का संघर्ष हो सकता है, उसको फैमिली का प्रॉब्लम या संघर्ष हो सकता है। साधक को एक विचित्र प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है, और ये है कि अच्छाई के बुराई के बीच में। पर जिसको हम अच्छाई कहते हैं वो अच्छाई कहाँ काम लगती है? देखो दुनिया के अंदर ये बात तो सच है कि नास्तिक से ज्यादा आस्तिक है। भगवान को मानने वाले लोग हैं वो नहीं मानने वाले लोगों से बहुत बहुत ज्यादा है। फिर भी देखते हैं हम कि आज क्या क्या जगत में क्या चल रहा है, आज की तारीख में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। तो क्यों है ऐसा? अगर अगर कोई नई नई भगवान के नाम की वो कोई नई पैटर्न बना ली और व्यक्ति सुधर जाएगा, क्या ऐसा है क्या? वो तो एक नई पैटर्न बना ली और वो पैटर्न से फिर वो जीने लगता है। क्या फायदा क्या हुआ, हम कहाँ जाते हैं? ये तो एक ही चक्कर पर गोल 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 घूमते रहते हैं, और हमें लगता है कि हाँ कितना किलोमीटर मैंने तो चल लिया। कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, और सबके सब भ्रम में हम जीते हैं कि मैंने तो इतना प्रोग्रेस कर लिया। और जो प्रोग्रेस कहते हैं वो भी क्या है, हकीकत में यही है कि इस चक्कर में फंसे हुए हैं। जो साधना करना है वो ऐसी साधना होनी चाहिए कि मेमोरी पैटर्न उसकी ना बने, या अगर बनती है तो ऐसी बने कि दूसरी मेमोरी को वो कम कर सके, ऐसी हमें मेमोरी पैटर्न बनानी है। और ये जो प्रत्यय का चैप्टर इसीलिए इसके अंदर है कि भाई आगे जाके जब हम 3A 3B के स्टेज के ऊपर जाते हैं तब ये संभव होता है। उस समय जो है नई मेमोरी पैटर्न बननी बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है। थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है तो फिर नई मेमोरी पैटर्न कैसे बनेगी? और जो पुरानी पैटर्न
पैटर्न है वो धीरे धीरे करके मुरझाने लगती है, क्योंकि उसको कुछ फीडिंग मिलता नहीं है, उसको अंदर कुछ सपोर्ट मिलता नहीं है इनकमिंग इम्पल्स का, उसको जीवन मिलता नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो मुरझा के मर जाती है। ये राइट प्रोसेस है। तो इसीलिए एक बहुत जरूरी है कि जो है अब रिलीजन का रोल क्या है। रिलीजन भी यही करता है कि कुछ हमें सिखाता है, उसकी हम मेमोरी पैटर्न बना लेते हैं। वो रिलीजन की मेमोरी पैटर्न कुछ काम नहीं लगती है, हमें कोई जरा भी अंदर सुधार नहीं लाता है। एक नई पैटर्न बन गई तो वो पुरानी पैटर्न थोड़ी दब जाएगी, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। कोई आदमी कोई कभी सुधर सकता है वो? और ये बात कैसी है कि ये पूरा खेल जो है ना वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का है। अब हम जब नई पैटर्न बनाते हैं तो कॉन्शियस माइंड के अंदर एक व्यक्ति जो साफ सुथरा दिखता है तो उसका कॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब ठीक है, अच्छा है। अब सबकॉन्शियस ये माइंड के अंदर तो वो सब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ ही है और वो कभी भी निकल आता है। ये तो आइसबर्ग जैसा है, हमें जो दिखता है वो तो खाली 1/10 है और 9/10 तो वो पानी के अंदर रहता है, वो तो दिखता ही नहीं है। और वो वही सारी पैटर्न जो है वो 9/10 के अंदर है, जिसको हम अच्छी पैटर्न कहते हैं वो तो 1/10 के ऊपर खाली ऊपर ऊपर दिखती है, और वो अंदर की जो पैटर्न है वो कभी भी बाहर आ सकती है। इसीलिए तावर जी बार बार वार्निंग देते हैं कि भाई आप चाहे 3A के स्टेज पर चले जाओ फिर भी नीचे चले जाएंगे, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अंदर ये पुरानी पैटर्न पड़ी है। और दूसरी ये शब्द उन्होंने खास ये यूज़ किया इंटरचेंजेबल, मतलब ये कभी भी शिफ्ट हो सकती है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसीलिए ये एक सबसे डेंजर पॉइंट है। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि तो भाई हम ये सब पढ़ते क्यों है, क्या कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके अंदर नया डेटा डालने के लिए पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है। उसका तो न तो फायदा है पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है और आपके अंदर संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानो कि क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो ये जानना है कि साधना क्या है। हमारा लक्ष्य कोई ज्ञान प्राप्त करना नहीं है या कोई भाषणबाजी करना नहीं है या इसको किसी को बाद में जाके बताने का। अगर साधना क्या है और साधना का सही मार्ग क्या है बस वही जानने के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो ठीक है, उससे मेमोरी पैटर्न बनती है नहीं बनती है वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर हमें साधना का सही मार्ग मिल रहा है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पर अगर हमने ऐसा मान लिया कि भाई जरा जिज्ञासा है, कुतूहल है, थोड़ा ऐसा है कि प्रत्याहार में क्या होता है जरा जान तो ले, धारणा ध्यान में क्या होता है जरा जान ले, पर ऐसा कुछ अंदर खाली एक जिज्ञासा है और उसके कारण हम जानना चाहते हैं पढ़ते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। और आगे जाके ये सब जो है अंदर कुछ ना कोई किसी प्रकार की मेमोरी पैटर्न बन जाएगी और फिर इसको ही हम दूसरे लोगों के पास जाके दोहराते रहेंगे कि हाँ इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, हमारा खुद का अनुभव तो कुछ होता नहीं है। तो खुद का अनुभव जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमें जो आप कर रहे हैं जो साधना है या फिर वो कुछ पढ़ना है लिखना है कुछ भी है, अगर वो उसका लक्ष्य ये है कि हम धीरे धीरे साधना समझे और ये सब मेमोरी पैटर्न से मुक्त होते जाए तो ही कोई फायदा है ये सब करने का। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो करना है वो मेमोरी पैटर्न को निकालना है, इसी तरह की साधना करनी है और जो है धीरे धीरे करके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सुधार नहीं। हम कोई थोड़ा सुधार ऊपर ऊपर से कोई सुधार आ गया वो नहीं चाहते, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं वो हमेशा हमें ऑब्जर्व करना है। और वो अगर वो नहीं बनता है तो कोई साधना काम की नहीं। और अब हम 3S 3 स्टेप करते हैं तो 3 स्टेप जो है वो एक ऐसी साधना है कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी पैटर्न जो है वो धीरे धीरे करके घिस जाती है निकल जाती है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारे अंदर की पैटर्न जो है वो धीरे धीरे करके निकल जाए और इसी तरह का अभ्यास करना है, न कि नई नई पैटर्न बनाना है या नए नए सत्संग के नाम पर कथा के नाम पर ये इसके नाम पर उसके नाम पर कुछ ना कुछ अंदर भरते जाना, ये बिल्कुल गलत है। वो कोई साधक का मार्ग नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति का मार्ग हो सकता है पर साधक का मार्ग नहीं है। साधक को ये सुपर सो कॉल्ड और सुपरफिशियल जो अच्छाई बुराई है उसमें कोई रस नहीं है, उसको इस सबसे ऊपर उठना है
और अंदर जो प्योर तत्व पड़ा है उसकी ओर उसको जाना है, वो साधक का लक्ष्य होना चाहिए। तो बस ये बात का मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरी एक बात भी हमने देखी थी उसके अंदर, उन्होंने कहा था कि नॉलेज एंड विजडम आर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ भी यही बात है कि नॉलेज हम ये सब प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से इधर से उधर से, पर क्या इससे विजडम जन्मता है? कोई भी ज्ञान से कभी विजडम जन्मा है क्या? तो मैं सोचता था, तो हम चार चीज को इसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, चार चीज इसके अंदर आ सकती है पूरे इसके ऊपर। तो पहली है इन्फॉर्मेशन, दूसरी है नॉलेज, तीसरी है अंडरस्टैंडिंग और चौथी है विजडम। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हम जानते हैं, पहले शुरुआत में हम एक इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी एक व्यक्ति के संदर्भ में हम इसको सोचे, तो एक व्यक्ति है, उसके पास अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, उसकी कास्ट क्या है और वगैरह वगैरह जो है वो इन्फॉर्मेशन है। अब उसकी व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज आता है, ज्ञान आता है, तो फिर थोड़ा और डीप में ज्ञान उसका होता है कि ये इसके शरीर के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा जानता है, उसका मन किस तरह काम कर रहा है वगैरह वगैरह जो है, और व्यक्ति खुद के बारे में अपना थोड़ा नॉलेज रखती है। अब अंडरस्टैंडिंग कब बनती है? कि अंडरस्टैंडिंग और गहरी चीज़ है। तो अंडरस्टैंडिंग हमेशा दो चीज़ से बनती है, एक तो जीवन के जो अनुभव है वो व्यक्ति के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। और ख़ास करके ऐसा भी देखा है कि जिन लोगों दुख से गुजरते हैं उन लोगों के अंदर एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ डेवलप हो जाती है जीवन के प्रति खास करके। और दूसरी साधना से, और साधना में अलग अलग साधना, और फिर हमारे अंदर क्या चल रहा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं अंदर क्या चल रहा है वो सब हम जानते हैं समझते हैं। तो एक इसके बाद में एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है हमारे अपने खुद के बारे में और जीवन के बारे में भी। और इसके बाद में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या जब हम ट्रूथ रियलिटी क्या है उसको जानते समझते हैं एक्चुअल लेवल पर, तब एक विजडम आता है। तो इस तरह चार चीज से व्यक्ति गुजरती है, इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग और विजडम, इस तरह व्यक्ति आगे बढ़ती है। पर ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीवन के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, और ज्ञान बढ़ाने से अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है। कोई कहता है देखो ये व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान पड़ा है, तो ज्ञान अलग चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ है। और कोई कहता है कि ये इनका प्रवचन सुनो, उनका प्रवचन सुनो, तो फिर से हम ज्ञान की ही बात करेंगे और ज्ञान ही बढ़ने लगेंगे। हमारे अंदर कुछ सुनने से अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली आती है क्या? अंडरस्टैंडिंग आती है तो काम का है, नहीं तो ज्ञान तो कोई काम का नहीं है। और ये विजडम कोई कृष्णमूर्ति इंटेलिजेंस कहते हैं, माने कि एक प्रज्ञा, एक उच्च अंदर की एक स्थिति, जिसमें जैसे हम देखा कि 3B के अंदर हमें माइंड की जरूरत नहीं पड़ती है, माइंड मतलब कि थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट परसेप्शन होता है वो प्रज्ञा है, वो उसके अंदर ब्रेन का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, थिंकिंग प्रोसेस के बिना ही व्यक्ति जान सकता है। अब आगे बढ़ते हैं आज 302 के ऊपर। सेज पतंजलिस मेथड ऑफ पोज एंड अदर इंस्ट्रक्शन डू टेक ए पर्सन फ्रॉम स्टेज 1 to 3A, बट द मेथड एंड प्रैक्टिस अल्टीमेटली अमाउंट टू मेमोरी पैटर्न्स ऑल्सो, दैट इज डेटा फेड इन द कंप्यूटर सेक्शन 1 and 3AB। फिर से यहाँ ऊपर की बात वो आगे ले जाते हैं कि जो साधना करते हैं उसमें भी कम से कम कुछ ना कुछ मेमोरी पैटर्न तो बनती रहती है, पर इसमें एक इतनी अच्छी बात होती है कि एक उसका स्टेज अंदर से बदलता जाता है। तो जैसे डायग्राम में हम देखते हैं कि 1 to 2, 2 to 2, 2 to 3A, 3B, या फिर 2 to 4A, 2 to 5, 2 to 1, 3A, 3B, 3C, तो अंदर से ये जो है एक कुछ प्रकार का एक परिवर्तन, और खाली वो सुपरफिशियल परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि ये परिवर्तन भी स्टेडी नहीं है, क्योंकि वो आगे बताएंगे कि ये चाहे कितना भी परिवर्तन कर लो फिर भी नीचे आ सकता है, और हमारे
जब हम हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, हम ऋषि मुनियों की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि कितनी ऊंची अवस्था से भी वो एकदम नीचे आ जाते थे। तो फिर सामान्य व्यक्ति का तो क्या ये इसमें सवाल पैदा होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कम से कम डेटा अंदर जाना चाहिए, और जितना कम डेटा के साथ हम प्रोग्रेस करेंगे वही हमारे लिए सच्चा प्रोग्रेस होगा। एज पर द इंटेंसिटी चार्ट द इंडिविजुअल शोज प्रोग्रेस द क्रूड इमोशंस एंड सेक्स डू बिकम रिफाइंड एंड विल डज बिकम स्पिरिचुअल बट इट इज एन इक्वली मैकेनिकल प्रोसेस ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज एट एनी टाइम इवन फॉर द वर्स। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक कोई एश्योरेंस नहीं है, हम ऐसा कभी भी नहीं मान के चल सकते कि हाँ मुझे अभी थोड़ी अंदर स्थिरता आ गई तो बस हो गया। देखो आप साधना में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखोगे तो एक बात आपको पता चलेगा कि कुछ दिनों के लिए बहुत अंदर शांति होती है। जैसे कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होता है, तो आप एक ऑब्जर्व करेंगे, हाँ मैंने कितने दिनों से गुस्सा अभी आया नहीं है, और एक दिन अचानक ऐसा जोर से गुस्सा आएगा कि वो सब पूरा वसूल करके जाएगा। तो ये जो है वो ये प्रॉब्लम यहाँ ही है कि हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें अच्छा है कुछ, क्योंकि इसमें क्रूड इमोशंस और सेक्स जो है वो रिफाइन होता है, व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअल होता जाता है, ये सब अच्छा है, पर कोई कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये अब यहाँ तक पहुँच गया तो अभी वो कभी भी नीचे नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी इस मार्ग के ऊपर है। ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज एट एनी टाइम इवन फॉर द वर्स्ट। दैट इज वाई रिपीटेडली सेज पतंजलि गिव्स अ वार्निंग टू दिस फैक्ट, रिफर सूत्र 51 ऑफ चैप्टर 3 एंड सूत्र 27 ऑफ चैप्टर 4। बिकॉज ऑल द बॉडीज ऑल द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल सेंसेस एक्ट प्योरली मैकेनिकली, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड इज एज मच पॉसिबल एज गोइंग बैकवर्ड, बिकॉज बोथ आर मैकेनिकल प्रोसेसिस डिपेंडिंग ऑन ए पुश ऑफ ए सच ए नेचर। तो जिस तरफ धक्का लगेगा उस तरफ व्यक्ति जाएगा, अगर धक्का ऊपर की ओर जाने का लगता है तो ऊपर जाएगा, नीचे की ओर जाने का धक्का लगेगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो आफ्टर ऑल ये जो है वो मैकेनिकल है, और ये मैकेनिक। पर अगेन ये बात एक आती रहेगी कि जब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तब फिर ये सब ये खत्म हो जाता है, ये दिक्कत निकल जाती है। जब तक हम एक सर्टेन लेवल तक तो प्रोग्रेस में ऊपर नीचे होना ही है। इंटरनल वर्क ऑन वन सेल्फ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंसियरली परफॉर्म ब्रिंग अबाउट एन एबिलिटी टू ऑपरेट द इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स और वाल्व विद इन द सिस्टम विच कैन देन बी ओपन एंड क्लोज एट विल। दिस एबिलिटी इज डिस्क्राइब एज स्पिरिचुअल विल। अब यहाँ वो मार्क बताते, ये बात तो यही है कि अब चलो अभी तो मानो कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, पूरी मेमोरी पैटर्न नहीं गई है, तो क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई अंदर की कुछ ऐसी, भगवान ने ऐसी स्विचेस बनाई है, कुछ ऐसे वाल बनाए हैं जिसको बंद चालू करने से, जैसे पानी के लिए कैसे वाल को हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, या लाइट के लिए ऑन ऑफ करते हैं, इसी तरह अंदर कुछ ऐसी चीजें बनाई है भगवान ने जिसको चालू करने से बंद करने से ब्रेन की प्रोसेसेस बंद हो जाती है। तो साधक के लिए एक मार्ग ये बचता है कि भाई अभी और कुछ साधना से और तो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और तो ये मेमोरी पैटर्न पुरानी जाती नहीं है, पर कम से कम वो अंदर इम्पल्स को आना बंद कर देगा तो नई पैटर्न बनना चालू हो जाएगा, और नई पैटर्न नहीं बनेगी तो आगे जाके पुरानी पैटर्न मरने की संभावना बनती है। तो इसीलिए ये आगे की बात हम देख चुके हैं कि भाई वाल कहाँ कहाँ है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऊपर और नीचे के हिस्से में, या जिसको सुषुम्ना कहते हैं उसके ऊपर या नीचे के हिस्से में वो वाल है या स्विच है, टू वे स्विच है,
मतलब एक बंद है तो दूसरे ही चालू है। और पूरी प्रोसेस भी हमने देखा था कि भाई अगर सुषुम्ना नीचे का वाल्व खुला है तो ऊपर का ब्रेन का वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि ब्रेन के अंदर इम्पल्स न जाए और विचार न बने। पर नॉर्मल कोर्स में वो नीचे का वाल्व जो है वो हमेशा खुला रहता है, सॉरी बंद रहता है, तो तालुका का वाल ऊपर का वाल हमेशा खुला रहेगा, तो ब्रेन के अंदर ही जो इम्पल्स आएगा जाएगा वो कंपलसरी उधर ही जाएगा और विचार बनने वाले ही है। तो ये प्रोसेस है। पर साधक जब ये थोड़ा ऊपर जाता है, 3A तक पहुंचता है, तो उसके अंदर ये थोड़ी टेक्निक आती है कि इस तरह का वाल को किस तरह ऑपरेट किया जाए और ये इनकमिंग इम्पल्स को बंद किया जाए या फिर उसको डाइवर्ट किया जाए। और इस तरह की जो विलिंगली व्यक्ति काम करते हैं उसको स्पिरिचुअल विल कहा जाता है। उन्होंने तीन प्रकार की विल बताई है ना, न्यूट्रल विल, इंटेलेक्चुअल विल एंड स्पिरिचुअल विल। टिल स्टेज 3B, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल, इट इज प्रोन टू और सब्जेक्ट टू एनी पुश इवन इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो 3B तक नहीं पहुंचता है तब तक व्यक्ति के लिए ये एक डेंजर रहता है कि वो कहीं कोई भी दिशा में जा सकेगा। अगर कोई अंदर गलत इम्पल्स आ गया और ब्रेन ने पकड़ लिया और अंदर की कोई पुरानी पुरानी मेमोरी पैटर्न बाहर निकल आई, मतलब इन दोनों का संगम हो गया, तो व्यक्ति वो दिशा में फिर से नीचे की ओर चला जाएगा। इन स्टेज 3B देर इज सम मेजर ऑफ सेफ्टी बिकॉज द ब्रेन इट्स कंप्यूटर्स एंड सेंसेस विच आर मच मोर मैकेनिकल देन UDM इट्सेल्फ आर रेंडर्ड अनफंक्शनल एंड द UDM इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय द मैकेनिकलनेस ऑफ द कंप्यूटर और बाय द इनकमिंग इम्पल्सिस एंड आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स। तो 3B के स्टेज के अंदर जो एक सेफ्टी इस प्रकार की है कि भाई ये कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन के अंदर एक तो इम्पल्स नहीं जा सकता है अगर वाल बंद कर दिया, तो ये यहाँ एक एक सेफ्टी बनती है। और जो सेंसिस और कंप्यूटर वगैरह है वो UDM जो है उससे ज़्यादा ये मैकेनिकल है, क्योंकि UDM के अंदर भी कुछ मैकेनिकलनेस तो रहती है, पर ये जो है वो सब निष्क्रिय हो जाता है, अनफंक्शनल। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सेंसिस है, कंप्यूटर है, वो 3B के स्टेज के अंदर अनफंक्शनल होते हैं। उसका ही एक फायदा है कि यहाँ कोई नया विचार नहीं बनता है, पर UDM जो आती है वो कंटेनिमेट हुए बिना, मतलब प्रदर्शित हुए बिना वो धीरे से बाहर निकल जाती है और ना कोई इम्पल्स वगैरह उसको कुछ कंटिमिनेट कर सकता है। तो ये 3B का स्टेज थोड़ा इतने इसलिए सेफ है क्योंकि वो उसके अंदर जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो अनफंक्शनल हो जाता है। बट द डेंजर स्टिल रिमेन्स हियर, फॉर इट इज वन थिंग टू प्रिवेंट बाय ब्लॉक और वाल एंड अनदर थिंग टू इंड इज टू डिसइंटीग्रेट द मेमोरी पैटर्न्स ऑल टुगेदर। अब ये बात तो बहुत क्लियर है, और ये जो जो साधना का जो लक्ष्य है या अंतिम बात जो ये है डिसइंटीग्रेट है। तो चलो यहाँ इतना थोड़ी सेफ्टी है कि वाल बाल बंद कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो अंदर कुछ और कचरा जाता नहीं है, इतना एक सेफ्टी है, पर ये आधी सब सेफ्टी है। पूरी चीज़ तो यही होनी चाहिए कि अंदर ये सब जो मेमोरी पैटर्न है किसी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसका विघटन हो जाए, तो फिर कोई चिंता नहीं है। वन नो सोल्स द एबिलिटी टू ऑपरेट द वाल्व और ब्लॉक्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस बीइंग एट द बेस ऑफ द स्कल तालुका एंड एट द बेस्ट सॉरी एट द बेस ऑफ द स्कल तालुका एंड एट द बेस ऑफ द स्पाइन, दिस टू वाल्व वर्किंग एज ए टू वे स्विच। तो अभी हमने देखा ये बात यहाँ आती है कि ये जो वाल्व जो है वो ऊपर नीचे है और एक खुला रहता है तो दूसरा बंद रहता है, और ये व्यक्ति अभी साधना में ये अनुभव भी करता है।
हम तो अभी पढ़ते हैं, खाली एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर ये हकीकत में साधना में अनुभव होना चाहिए कि इस तरह के दो वाल है और विल से एक को बंद किया जा सकता है। इट मीन्स ए पर्सन हैज रीच ए स्टेज वेन एंड वेयर वन नॉट ओनली नोज द प्रोसेस बट कैन कॉन्शियसली चेंज दिस ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस विच नॉर्मली इज ऑटोमेटिक और मैकेनिकल। तो अभी व्यक्ति ये है, यही बात है कि फिर से वो ये यहाँ तक पहुँचती है, रीच वहाँ तक पहुँचती है कि अब उसको एक इसके हाथ में है ये चेंज करने का कि ऑपरेशन जो है प्रोसेस का वो करे या ना करे, कौन सा वाल खुला रखे कौन सा वाल। और ये वो डिपेंड करता है कि वो साधक आप कहाँ है, मतलब कि वो संसार में जी रहा है, संसार की ड्यूटी उसको अभी निभानी है, तो वो जो है नीचे का वाल को बंद रख के ऊपर का वाल को खुला रखेगा, और उसको साधना में गहराई में जाना है तो फिर ऊपर का वाल का वाल को बंद कर देंगे और नीचे का वाल को खोलेंगे। इन फैक्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स विद इन द ह्यूमन फ्रेम इज ऑटोमेटिक और मैकेनिकल बट वन इज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल। तो हमारे अंदर ये सब प्रोसेसेस तो चलती रहती है, बहुत सारी प्रोसेसेस चलती है, पर किसी के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहे, किसी के प्रति हमारी जागृति नहीं है। पर जैसे जैसे साधना बढ़ती है तो उसको अंदर से पता चलता है कि भाई ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ ऐसी है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। एक अवेयरनेस अंदर से बढ़ती है तब इस चीज़ों का हम उपयोग करना भी सीख जाते हैं। बाकी तो जो कुछ करेंगे वो साधना के नाम पर भी वो मैकेनिकल चीज़ हो जाएगी। पर ठीक है, मैकेनिकल शब्द से इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मैकेनिकल चीज़ आफ्टर ऑल कुछ करेक्शन भी कर सकती है और इससे कुछ अच्छी चीज़ निकल सकती है कंपेरेटिवली। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स विद इन द ह्यूमन फ्रेम इज ऑटोमेटिक और मैकेनिकल बट वन इज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल। इफ ऑल दैट हैपन्स विद इन द ह्यूमन फ्रेमवर्क वर टू बी नोन इट एट ऑल वन टू बी नोन दैट इज अ पर्सन वर टू बी कॉन्शियस ऑफ ऑल दैट गोज ऑन विद इन द बॉडी बॉडी सिस्टम देन वन इज कॉन्शियसली एबल टू ऑपरेट एनी ऑफ द प्रोसेसिस ऑफ वन इज ए कंप्लीट बींग। अब ये जो है ये अंदर हो रहा है वो हम अभी तो हमारे अंदर हम जानते नहीं है, पर अगर क्या हो रहा है अगर इसका हमें एक अवेयरनेस अंदर रहती हो है तो फिर क्या है कि अंदर इनर डेवलपमेंट हमारे अंदर चालू हो जाएगा। और फिर जब ऐसा होगा तब व्यक्ति कंप्लीट बीइंग बनेगी। तो अवेयरनेस का कितना महत्व है कि मैकेनिकलनेस से हम अवेयरनेस की ओर जब जाते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, तब अंदर बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है और हम अंदर से चेंज कर सकते हैं, फिर कॉन्शियसली वो ऑपरेट कुछ भी कर सकते हैं। इनर डेवलपमेंट एंड इनर क्लिंसिंग आर वर्ड्स यूज विच एक्चुअली मीन दैट वन इज अवेयर ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस विच आर अदरवाइज मैकेनिकल एंड वन इज एबल टू ऑल्टर सच ऑपरेशंस एज डिजायर्ड फॉर द बेटर। तो ये इनर डेवलपमेंट और इनर क्लिंसिंग की जो बात होती है कि भाई विकास किया कि हुआ तो क्या हुआ, या फिर अंडर क्लिंसिंग मतलब शुद्धि हुई तो किस प्रकार की हुई और क्या है। तो इसका मतलब यही है कि ये व्यक्ति को अंदर के जो इंटरनल जो ऑपरेशन है, कामगिरी है, किस तरह अंदर क्या चल रहा है वो उसके हाथ में आ जाती है, वो अवेयर हो जाता है और इसका उपयोग कर सकता है। अदरवाइज तो वो मैकेनिकली रहेगी, पर मैकेनिकली को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ है। तो अवेयरनेस के कारण व्यक्ति अंदर के ऑपरेशन जो है उसको समझ सकते हैं, अंदर की कामगिरी को समझ सकते हैं सकता है, और वो इस तरह काम कर सकता है। मैकेनिक फिर वो मैकेनिकली नहीं करेगा, वो अवेयरनेस के साथ करेगा।
इट ऑल टेक्स टाइम. वी आर रूटेड इन अवर डीप एंड अननोन पास्ट एंड टू कम आउट ऑफ ऑल दिस पास्ट जंगल इज नॉट इजी बिकॉज व्हाइल्स लिविंग सच ए मैकेनिकल लाइफ फ्रॉम एंशियंट पास्ट वी हैव डेवलप सर्टेन मसल्स टिश्यूज नर्व्स वाल पोजिशन एंड प्रोसेसिस एटसेट्रा फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेस एज वर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. अब ये क्या है कि क्यों टाइम लेता है, हम इतना जल्दी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकते. तो जो बहुत लंबे समय से हम जो चले आ रहा है ये सब हमारा, न जाने ये कितना जन्म होगा वो तो हमें पता नहीं है, और हर एक जन्म के अंदर हमारे अंदर जो पहले तो इनवर्ट जर्नी होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें अंदर आ जाती है, गलत पैटर्न बन जाती है, और यहाँ तक कि उसका गलत प्रभाव जो है हमारा शरीर के ऊपर भी पड़ता है. तो मसल्स है, टिश्यू है, नर्व्स है, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर उसका एक गलत प्रभाव पड़ता है, और ये इसको सब पूरा प्रभाव को निकालना पड़ता है, ये सब चीज़ों को साफ करना पड़ता है. ये सब करने में बहुत लंबा समय लगता है और इसीलिए ये प्रोग्रेस इतना स्लो लगता है. तो ये जो साइंटिफिक जो साधना है उसमें यही है कि जैसे कि हम रिफाइनिंग करते हैं, थ्री स्टेप करते हैं, तो ये जो यहाँ रूट लेवल पे ऊपर मतलब कि मसल टिश्यूज नर्व्स के ऊपर तक की जो खराबी आ चुकी है हमारी, जो एंशियंट पास्ट के कारण हमारा जो पुराना जो भूतकाल है उसके कारण जो हमारे अंदर ये सब आ चुका है, उसको हम धीरे धीरे करके साधना से उसको निकाल सकते हैं, पर इसी कारण ये टाइम लेता है. एक्सप्रेस पर्पज फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द प्रोसेस एज वेर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. अब ये जो उसका व्यक्त हेतु है उसको कैरी करने के लिए ये पूरी जो ये है वस्तु ये करना ये बहुत जरूरी होता है, और सर्वाइवल के लिए. अब देखो सर्वाइवल के अंदर भी हमेशा एक बात है ना, सर्वाइवल फॉर फिटनेस. तो व्यक्ति को या व्यक्ति है या कोई पशु है या पक्षी है कोई भी है, उसको हमेशा ढलना पड़ता है. जैसे जैसे प्रकृति के अंदर परिवर्तन आता है इस तरह हमारे अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्पीसीज जो है वही पूरी की पूरी साफ हो जाती है. और प्राचीन समय से ये ऐसा चला आता है, हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय के अंदर जो स्पीसीज थी, जिस प्रकार के पशु पक्षी वगैरह थे, वो सब का निकंदन निकल चुका है, अभी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए जो है वो इसको ये करना पड़ता है व्यक्ति को, या कोई भी जीव है उसको इसके अंदर इस तरह को ढलना पड़ता है. नाउ, और यही चीज साधना के अंदर भी है. नाउ वी हैव टू फर्स्ट डिस्ट्रॉय ऑल सच अनवांटेड ग्रोथ एंड प्रोसेसेस एंड रिप्लेस देम विथ अदर सच मसल्स टिश्यूज नर्व्स वाल पोजिशन एंड प्रोसेसेस एटसेट्रा एज आर नाउ रिक्वायर्ड. तो यही है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम ये सब रिफाइनिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं, कि हमें इसको ये जो पहले जो अनवांटेड ग्रोथ हो चुका है इन चीज़ों के अंदर, तो जब साधना करते हैं तो ये अनवांटेड ग्रोथ को हम धीरे धीरे करके निकाल देते हैं, तो एक प्रकार का रिफाइनमेंट करते हैं, शुद्धि करते हैं, और ये भी जरूरी है. और जो साइंटिफिक मार्ग होगा है इसमें ये होगा कि इस तरह का ये मसल टिश्यूज वगैरह के ऊपर अंदर से ये अनवांटेड ग्रोथ को निकाल देगा, और इसीलिए तावरिया जी ने नाम भी दिया रिफाइनिंग. रिफाइनिंग क्या होता है कि इसी चीज़ों का जो अनवांटेड ग्रोथ है उसका रिफाइनमेंट हो जाएगा. विद दिस इनर चेंज ओवर या डेवलपमेंट एंड इनर क्लिनसिंग द अर्लियर रजिस्ट्रेशन एरिया इज नाउ बिसाइड वॉट इज ऑलरेडी इज ऑल्सो डेवलप एज ए सुपर सेंसिटिव एक्सपीरियंसिंग मैकेनिज्म नॉट थ्रू द सेंसेस बट डायरेक्टली. अब जो
रजिस्ट्रेशन एरिया जो ये हमारे अंडर है, नॉर्मल कोर्स में रजिस्ट्रेशन एरिया से ही विचार बन के बाहर निकलता है, तो वो जो एरिया है वो अभी इतना डेवलप हो चुका है और एक वो एक सेंसिटिव एक मैकेनिज्म बन गया कि जिसको एक्सपीरियंस कर सके कुछ ऐसी चीज़ों को। मतलब कि अभी क्या होगा, इनफैक्ट ये कहने क्या चाहते हैं कि अभी उसको ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी कि बिना विचार के द्वारा ही ये रजिस्ट्रेशन एरिया से वो सारी चीज़ें समझ सकेंगे। मतलब कि थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है और वो एक्सपीरियंस जो उसको होगा, जैसे कि उसके बारे लिए कहते हैं कि भाई एक चीज़ बनती है परसेप्शन की, तो परसेप्शन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है, उसके अंदर जो है यूडीएम अंदर आके वो विचार बने बिना या वो मेमोरी पैटर्न को मिले बिना वो आगे चला आता है और जो सामने दृश्य है जो सामने चीज़ है उसको परसीव करता है पर एज इट इज। जब अंदर की प्रोसेस होके जब ये चीज़ बाहर आती है तब क्या होता है कि कंटेमिनेट हो जाती है, मतलब हमारा जो अंदर संस्कार है उसका रंग उसको लग गया और चीज़ को हम बाहर की चीज़ को इसी तरह देखेंगे। एक चीज़ बाहर है चाहे वो कार है या घोड़ा है या पेड़ है कुछ भी है, वो अंदर से जब प्रोसेस होके निकलता है तो हम हमारे ढंग से हमारे अंदर का संस्कार के ढंग से देखेंगे ये कार अच्छी है या बुरी है, ये पेड़ अच्छा है या बुरा है, जो भी है वो इस तरह देखेंगे। पर जब वो यूडीएम जो है वो अंदर आया पर मेमोरी पैटर्न को नहीं मिलता है और वो दूसरी ओर से वो डायरेक्टली ये रजिस्ट्रेशन एरिया पर पहुंचता है तो वहाँ उसको जो है वो ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस वहाँ होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अभी ये रजिस्ट्रेशन एरिया है वो सुपर सेंसिटिव एक्सपीरियंस मैकेनिज्म का एक चीज़ बन गई है यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया में, इस तरह का आप उसको डायरेक्ट परसेप्शन होता रहेगा। इसलिए कहा ना नॉट थ्रू द सेंसेस, यहाँ कोई सेंसेस नहीं है पर डायरेक्टली ये परसेप्शन में हमेशा डायरेक्ट ही होता है। ऑन दिस सेंसिटिव फिल्म, मतलब रजिस्ट्रेशन एरिया में जो फिल्म चल रही है नॉर्मल कोर्स में उसको, ऑन दिस सेंसिटिव फिल्म द यूडीएम ड्यू टू इट नाउ बीइंग इन इट्स ट्रू एंड नेचुरल स्टेट दैट इज अनकंटेमिनेटेड नाउ प्रोड्यूस पिक्चर्स डायरेक्टली बाय रेडिएशन एंड नॉट बाय अ थिंकिंग प्रोसेस हाउ एवर करेक्ट एज वॉज डन अर्लियर थ्रू द सेंस इन द रजिस्ट्रेशन एरिया टू कन्वे ऑल आंसर्स टू ऑल प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। तो अभी ये जो जो यहाँ यूडीएम अंदर आया है वो अभी उस तरह नहीं मेमोरी को मिलके वो नहीं ये होता है आगे जाता है, पर वो तो वो प्योर स्थिति के अंदर नेचुरल स्थिति में और प्योर स्थिति के अंदर, मतलब वो प्रदूषित हुए बिना वो आगर जाता है और वो उसके अंदर की जो रेडिएशन है उसके अंदर का जो एक प्रकाश है अंतर प्रकाश है उसके द्वारा वो पिक्चर को देखता है, वो प्रोड्यूस भी कर सकता है एंड नॉट बाय थिंकिंग प्रोसेस। अब थिंकिंग प्रोसेस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कि पहले ज़रूरत होती थी, और उसको कोई प्रॉब्लम है उसका जवाब भी उसको चाहिए तो वो थिंकिंग प्रोसेस से नहीं पर वो डायरेक्ट यूडीएम से का कॉन्टेक्ट में आता है तो वो डायरेक्ट यूडीएम से ही वो प्रश्न का उत्तर ले लेगा। हम नॉर्मल कोर्स में क्या करते हैं कि कभी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, विचारते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये स्टेज के अंदर ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट यूडीएम के टच में, और हम जानते हैं कि यूडीएम तो ऑल नोइंग ये है तो उसको सब पता है, तो वहाँ क्वेश्चन डाल दिया जाता है या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए डाल दिया जाता है तो उसका जवाब भी उसको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है। दिस स्टेट शोन इन डायग्राम 3B इज द ह्यूमन माइंड्स हाइएस्ट स्टेट इंट्यूएशन वेयर नो थॉट प्रोसेस टेक प्लेस। ये इसीलिए 3B का जो स्टेज है बहुत महत्व का है, हालांकि इससे ऊपर हम जानते हैं कि 3C का भी स्टेज है वो अल्टीमेट या फाइनल स्टेज है, पर कम से कम ये 3B का जो है तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो वो हाईएस्ट स्टेज है, ह्यूमन माइंड के लिए इतना वो उच्च प्रकार के जहाँ इंट्यूशन होते हैं उसको इंट्यूशन अंदर से ही उसको समझ में आता है
उसको कोई थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। द ह्यूमन बी या ह्यूमन ब्रेन, जो ब्रेन की प्रोसेसिस है वो इससे ऊपर नहीं, मतलब कि उसके अंदर अगर कोई ब्रेन की प्रोसेस होती है, ये यूडीएम आता है और जो ये जो कुछ बनता है इसको ब्रेन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यूडीएम आ रहा है तो ब्रेन प्रोसेस है। पर ब्रेन प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी पैटर्न को मिलेगा, वो जरूरी नहीं है। मेमोरी पैटर्न को मिले बिना भी ब्रेन प्रोसेस इस तरह हो सकती है। तो यहाँ ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, तो इससे ऊपर और कुछ प्रोसेस हो नहीं सकती ह्यूमन ब्रेन के लिए। द इंडिविजुअल हैज नाउ कम टू ए स्टेज वेयर द यूडीएम बीइंग ऑल नॉलेज कैन इन्फॉर्म हिम ऑफ व्हाट एवर ही वॉन्ट्स टू नो थ्रू पिक्चर्स बाय रेडिएशन दैट इज कोडेड लैंग्वेज। तो अभी ये यूडीएम ही इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इंडिविजुअल माइंड तो है ही नहीं। और हम जानते हैं कि ऑल यूडीएम जो है वो ऑल नोन है, उसको सब पता है उसको, तो वो उसके पास से ये जवाब ले लेता है। पर वो किस तरह के जवाब आएंगे, वो पिक्चर के रूप में, जो उसके जो अपने रेडिएशन है उसके द्वारा पिक्चर के रूप में, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोडेड लैंग्वेज में। अब जो हम जब भाषा आती है तब वो डिकोड हो गया है। अब हमारे अंदर कोई भी इम्पल्स आता है, इनकमिंग इम्पल्स का मतलब ही यही है कि इनकमिंग इम्पल्स जब अंदर आएगा तो वो कोडेड में आएगा, उसकी कोडेड लैंग्वेज होगी, फिर उसको हमारी भाषा के अंदर हम डिकोड करते हैं और उसको समझते हैं। तो पर यहाँ ये जो है ये यूडीएम के पास से वो जवाब लेगा, तो इस तरह जवाब ले सकता है। वन इज नाउ द इक्वल ऑफ द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। ओह देखो, अभी इसकी स्थिति और यूडीएम की स्थिति अंदर की एक हो गई, क्योंकि अभी वो ब्रेन का सब समाप्त हो गया, मेमोरी पैटर्न भी ऑलमोस्ट काफ़ी ये कम हो गई, जितनी जरूरी है इतनी होगी, तो ये यूडीएम और ये एक ही समान हो गए। अब हम देखते हैं कई लोगों के जो बहुत एडवांस सोल है, हमारे अभी अभी हो गए कुछ महात्मा जो 50-100 सालों में, इनका जीवन देखते हैं तो कई लोगों के जीवन में ऐसा हमें महसूस होता है कि जैसे कि उसका टीचिंग है या उसकी उसकी पर्सनालिटी है, वो व्यक्ति के अंदर वो कोई थिंकिंग प्रोसेस से नहीं पर कोई और जगह से कुछ आता है। उसका जीवन ही ऐसा है कि जैसे कि एक यूनिवर्सल डिवाइन माइंड खुद रिप्रेजेंट कर रहा हो, इस तरह हमें महसूस होता है। ऐसा कहे कि चित्ती जो है वो चित्ती उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, वो जो व्यक्ति बोलती है करती है, जैसे कि वो चित्ती के ही फंक्शन है, उसकी इंडिविजुअल फंक्शन है ही नहीं, इस तरह के लगते हैं। तो कोई कोई जब आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ऐसी कुछ व्यक्तियों के अंदर इस तरह की हम देख सकते हैं, इस तरह के यूडीएम की झलक। बट इवन दिस लाइफ एंड दिस वर्ल्ड ऑफ स्टेज 3B दो लेस फिक्टिशियस इज नेवर्थलेस नॉट द रियल स्टेट। अब यही बात है कि इतनी ऊंचाई है, इतनी गहराई है, और कम से कम वो कल्पना वाली जगह है, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये फाइनल है या रियल स्टेट है। वो इसके ऊपर का एक और स्टेट है जो रियल स्टेट है। तेज पतंजलि देन प्रोसीड्स टू इंस्ट्रक्ट अस इफ वी आर कन्विंस्ड दैट इट इज ऑल्सो ए प्ले ओनली मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर सटल दैट वी सेट असाइड दिस यूडीएम एंड नो अवर नोन अवर ओन रियल नेचर दैट इज ट्रांसेंडेंस। तो ये 3C का जो स्टेज है वो ट्रांसेंडेंस का है, आत्म तत्व का है। हम कौन है, खुद कौन है, रियल नेचर हमारा क्या है, सेल्फ क्या है, उसका जो जो स्टेज है उसको 3C कहते हैं। तो ये यूडीएम तक का जो है वो 3-2 का है, 3B का है, और 3B जो है वो यूडीएम वहाँ तक काम करती है। अब उससे ऊपर उसको जाना है तो और उसके ऊपर अंदर ऐसी समर्थता दी है कि यूडीएम से भी वो ऊपर उठ सकता है, और जो अंदर आत्म तत्व पड़ा है
वो आत्म तत्व तक वो पहुंच सकता है और वो अनुभव कर सकता है कि अल्टीमेटली मैं तो आत्मा हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो ऐसे सूत्र है ना, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, तो इस तरह जो है वो ऐसे फिर उसको ये 3C के स्टेज में साधक को पता लगता है कि मैं जो हूँ वो ब्रह्म तत्व हूँ या आत्म तत्व हूँ। दिस इज स्टेज 3C। टाइम एंड स्पेस सीजिस टू एनहेरल एंड एनसर्कल अस। तो यहाँ जो ये 3C के अंदर तो टाइम एंड स्पेस भी बंद हो जाता है, वो ना हमें गुलाम बना सकता है कि ना हमें वो घेर लेता है, हमारे ऊपर ना हावी हो सकता है। यहाँ टाइम और स्पेस भी खत्म हो जाता है। वी अर्लियर द अल्टीमेट सॉरी वी एंटर द अल्टीमेट स्टेट एंड बी वन विद द स्टेट ऑफ नथिंगनेस और एम्प्टीनेस। अब वो यहाँ नथिंगनेस की स्थिति या एम्प्टीनेस की स्थिति है, जो कुछ भी नहीं है, खाली आत्म तत्व है, ऐसी स्थिति के अंदर वो एंटर होता है साधक। एंड परसिस्टेंट एंड प्रोलोंग एक्सपीरियंस विल टीच अस दैट ऑल ऑफ द अबव इज मीनिंगलेस, दैट नथिंगनेस और एम्प्टीनेस इज बेस स्टेट, एंड टू मर्ज इन नथिंगनेस और एम्प्टीनेस इज द बेस्ट रिमेडी, समाधि विदाउट सीड, द पार्ट ऑफ नो रिटर्न टू दिस फिक्टिशियस वर्ल्ड। तो ये यहाँ जब वो ये स्टेट के अंदर एंटर होता है और ये लंबा चलता है, ये बहुत प्रोलोंग होता है और कंसिस्टेंटली इसके ऊपर चलता रहना पड़ता है, तब उसको ये स्टेट के अंदर ये नथिंगनेस और एम्प्टीनेस की उसको अनुभव होता रहे, और यही बेस्ट स्टेट है, बेस्ट रिमेडी भी है। और जो समाधि सीडलेस, मतलब कि जिसको निर्विकल्प समाधि या निर्बीज समाधि कहते हैं, समाधि दो टाइप की होती है, सबीज समाधि निर्बीज समाधि। तो निर्बीज या निर्विकल्प समाधि जो है वो अल्टीमेट समाधि है, और वो फिर इसके बाद में वो अपने सेलेस्टियल होम के अंदर जा सकता है, वहाँ ये सब जो फिक्टिशियस वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो हमारा वर्ल्ड है उसको फिक्टिशियस बार बार कहते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं है, हमें रियल लगता है पर वो है रियल नहीं है। तो यही बात है कि वो फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये जो है वो खेल है एक, और ये यहाँ खेल उसका समाप्त होता है और ये फिर अपने सेलेसियल होम चला जाता है। तो यहाँ रुकते हैं ताकि किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकें। आज बहुत गहरी बातें हमने देखी हैं, इसके ऊपर खास आप मनन करना और कृपा करके कोई ऐसी चीज़ न करना कि अंदर गलत ये मेमोरी पैटर्न बनती जाए। खास करके साधना के नाम पर ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि दूसरी चीज़ जो है वो कुछ मेमोरी पैटर्न बनती है, इतनी परेशान नहीं करती है, पर साधना के नाम पर, मोरालिटी के नाम पर, जे कृष्णमूर्ति का एक सेंटेंस था कि आदर्श होना एक नरी पशुता है। तो बहुत साल पहले मैंने जब 86 में ये सेंटेंस पढ़ा था तो मैं एकदम ये हो गया था, क्योंकि हम उस समय तो बहुत आदर्श में जीते थे, आदर्श की बहुत सराहना करते थे कि आदर्श में जीना तो कितनी बड़ी बात है, आदर्शवाद। पर ये अभी समझ में आता है कि ये जो हमने आदर्श पकड़ के रखे है वो सो कॉल अच्छा ही है, और वो हमेशा अंदर से संघर्ष कराती रहती है, क्योंकि बुराई भी यहाँ वहाँ ही पड़ी है, और अच्छा ही हमने ऊपर से उसके ऊपर थोप दी तो वो अंदर एक स्ट्रगल हमेशा के चालू रहती है। तो ये सब न हो इसके लिए बहुत ध्यान रखकर बहुत फूक फूक के इस मार्ग के ऊपर चलने की जरूरत है। किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाद में हम रुकेंगे। अब आप अनम्यूट खुद कर सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है कि आवाज नहीं आ रही है? हेलो हाँ बोलो सर, एक बात याद आवे એટલે કહું. हाँ बोलो. ઓશો ની બહુ શરૂઆતમાં પહેલી કેસેટ એક હાથમાં આવી હતી, ચરિત્ર ઓર સીલ. ચરિત્ર ઓર સીલ, હા હા, એમાં એટલે આ ટાઈપનું જ આખું આપણને ખ્યાલ આવે કે ચરિત્ર જે ઓળી લગે છે એ શું છે ને સીલ શું છે આખું. બરાબર, આજના પ્રવચન ઉપરથી એ ઘણું બધું ક્લિયર થયું. અને એમાં ઓશોએ તો બહુ જ ઉઘાડ કર્યો હતો એ વખતે. વેરી ગુડ. શરૂઆતમાં ઓડિયો કેસેટ આવતી ને શરૂઆતમાં. હા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. બસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ સર. ઓકે ઓકે. ઓર કિસી કો કોઈ પ્રશ્ન હે? હા દાદા સાહેબ. હા બોલો. એસા હૈ કિ યે અપને હમ જો થ્રી સ્ટેપ કરતે હૈ. હા, થ્રી સ્ટેપ મે इससे मुझे लग रहा है, मैं ये मुझे ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन एक एक बिलीफ, एक एक मान्यता, एक अभी तो लग रहा है ऐसा बोलने का मेरा वो नहीं है स्टेज, लेकिन ये हम जो थ्री स्टेप करते हैं इससे हमारी जो तो विलियम जो आती है हमारे अंदर, जो अंदर जो चित्ती जो हम अंदर लेते हैं बाय इंपल्सेस, तो स्टेट में से जो उसका जो कंटेमिनेशन जो होता है हमारा वो मिनिमम हो जाता है. उस दौरान आपकी अवेयरनेस कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा. ये प्रॉब्लम देखा नहीं कि भाई हर चीज हम साधना भी, ये मैकेनिकल तावरिया जी ने अभी अभी बताया कि हम जो साधना है वो भी एक मैकेनिकल ही प्रोसेस है वैसे तो देखा जाए तो, पर उसके अंदर अवेयरनेस की मात्रा कितनी है. खाली आप बिल्कुल 100% मैकेनिकल करते ही जाओगे तो फिर जो है वो UDM अगर ब्रेन में जाएगी और कोई गलत विचार साथ में आ जाएगा तो वो कंटिमिनेट हो जाएगी. पर अवेयरनेस रहती है और विचार की प्रक्रिया को हम स्लो कर सकते हैं तो उसका कंटिमिनेशन बहुत हद तक कम हो सकता है. मतलब कि उसके पहले प्रायर टू डेट हमें हमारी जागरूकता अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, जो साथ ने जो थोड़े साहब ने जो दी है सब प्रैक्टिसेस जैसे प्रिज्म है. हाँ, इससे हमारी अवेयरनेस पहले बढ़ानी चाहिए. हाँ, वो सब साथ में पैरेलल पैरेलल ही करना पड़ता है. एक किया एक पहले किया दूसरा बाद में करेंगे ऐसा नहीं है, ये साथ साथ में करना पड़ता है. और दूसरी बात ये है कि जब हम थ्री स्टेप करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो उसी दौरान भी हमारी अवेयरनेस का लेवल तो चेंज हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रिज्म किया तो ही आपके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी. थ्री स्टेप खुद भी आपकी अवेयरनेस को बढ़ा सकता है, पर जब आप हम चालू करते हैं तो हम प्रॉब्लम क्या है कि एकदम मैकेनिकल हम करने बैठ जाते हैं. मशीन चालू किया और बैठ गए, अब उससे पहले जो कुछ कामकाज किया था उसके विचार तो अंदर चालू है. जैसे कि आपने मानो कि टीवी देखा है और टीवी देख के बाद में आप टीवी बंद करके अभी थ्री स्टेप करने बैठ गए या गायत्री करने बैठे तो टीवी के अंदर जो देखा था उसका इम्पैक्ट तो थोड़ी देर तो ब्रेन के अंदर चालू रहता है, तो उस समय फिर जो है वो अवेयरनेस नहीं बनेगी. पर आप इसको प्रैक्टिस ठीक ठाक करेंगे और प्रैक्टिस के पहले थोड़ा और शांत हो जाएंगे, फिर धीरे से प्रैक्टिस चालू करेंगे, परिस्थिति के दौरान भी ये हमें एक अंदर से सजगता का ये रहेगा कि नहीं मुझे थोड़ी अवेयरनेस के साथ ही इसको प्रैक्टिस करना है, ऐसा हम माहौल बनाएंगे तो डेफिनेटली वो जो UDM है वो प्रदूषित ज्यादा नहीं होती है. ओके.